बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मैं हूँ वकार, आपका दोस्त, आपका भाई। और आप देख रहे हैं इस वक्त वकार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम एक दोस्त की दावत पे आए हैं। ये एक कदीमी इलाका है हमारे शहर लियाकतपुर में, लियाकतपुर से थोड़ा सा दूर है, तकरीबन कुछ 17-18 किलोमीटर। इस इलाके का नाम है ये नूराला, और इसमें एक कदीमी पुल है जो बहुत मशहूर है। उस पुल का नाम है पुल 82,000, और ये अड्डा बलोचा एक इलाका है, ठीक है, अड्डा बलोचा एक इलाका है, उसके साथ ही ये पुल है 82,000, जहाँ पे इस वक्त हम एक मेज़बान दोस्त हैं हमारे, जहाँ ज़ुहेब खान साहब, उनकी दावत पे आए हैं हम यहाँ पे मछली खाने के लिए। मैं पहले आपको वो पुल दिखा दूँ कि ये पुल कौन सा है, और उसके बाद फिर मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ सबसे। ये है जी वो पुल, पुल 82,000, ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है सारा। और उसके साथ ये अड्डा बलोचा का बोर्ड जो आपको सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेन रोड है, यहाँ से यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का काम है, गन्ने की काश करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गन्ना ही काश होता है। गन्ना, ये सामने गन्ना काश हुआ पड़ा इस वक्त, गन्ने के साथ फिर ये गुड़ बनाने के बाद ये मंडियों में जाता है गुड़, और बाज़ औक़ात फैक्ट्रियों में गन्ना जाता है जिससे फिर चीनी बनती है। और वो चीनी जो हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, चाय बनाने के लिए, दूध में, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अंकल जो हैं ये मछली बनाएंगे, जो हम मछली यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। ये पीछे सारा, ये चाचा गन्ना काश थिया खड़े ना सारा, ये जी पीछे इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा होता, वैसे हमारे इलाके में गन्ना ही काश्त है, ठीक है, और गन्ने से यहाँ पे गुड़ बनता है। उसके अलावा कुछ लोग गन्ना अपना शुगर मिलों को भी देते हैं, यहाँ साथ में शुगर मिले हैं जो। ये अड्डा बलोचा का यहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये इलाका है नूरे आले का, नूर वाला। और ये एक कदीमी पुल है, पुल 82,000, जिसका लिंक जाके फिर मिलता है हेड पंजनंद के साथ, हेड पंजनंद के साथ इसका लिंक मिलता है जाके, ठीक है। यहाँ की मछली बहुत मशहूर है, बहुत से लोग यहाँ पे मछली खाने के लिए आते हैं। और आए अब मैं आपको अपने दोस्तों के साथ मिलवाता हूँ। हमारा मेज़बान है जनाब ज़ुहेब भाई, वो इस वक्त साइड पे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं लाला अज़र बलोच, ये वसीब दोस्त ग्रुप के चेयरमैन हैं, और ये लाला इकबाल बलोच, सरायकिसान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ये सरगर्म कारकुन हैं हमारे लियाकतपुर में। सरायकिसान की जो भी तहरीक हो या कोई जलसा हो, भले वो 2 जून के सिलसिले में हो, माँ बोली का सिलसिला हो, सबसे आगे ये लाला इकबाल होते हैं। साथ है सईद खान बलोच, ये भी हमारे साथ इस वक्त दावत खाने आए हैं। और हमारे जो मेज़बान हैं जिन्होंने हमें दावत दी, ज़ुहेब भाई, वो इस वक्त वो मेरे ख्याल में हमारे लिए मछली देख रहे हैं कि मछली अच्छी निकल आए हमारे खाने के लिए। ये हमारे भाई हैं ज़ुहेब खान। ये थी जी सारी आज की सूरत हाल हमारी। ये हम आए थे एक इलाके में, दोस्त ने दावत दी थी, इलाका है नूरे आला अड्डा बलोचा, और यहाँ पे पुल है एक बहुत पुराना पुल 82,000, जो इस वक्त तो खुश्क पड़ा है, इसका लिंक जो जाके मिलता है हेड पंजनंद के साथ। यहाँ पे हम एक दोस्त ने दावत दी थी कि यहाँ आएँ, हम आपको अपने इलाके की मछली खिलाते हैं, मछली खाने आए थे, तो अब मछली आ गई है। तो इससे पहले कि मेरे दोस्त सारे मछली ख़त्म कर जाएं, मैं भी जाके थोड़ी सी मछली चेक कर लूं, तो मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका मेज़बान वकार, ये मेरा पहला व्लॉग है अपने चैनल के लिए, और जाते हुए बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको जो है ना वो मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।